देखिए अब सब बच्चे, मैंने आपसे कहा अगर मार्क्स के हिसाब से ये एक्सरसाइज उन चार एक्सरसाइज के बराबर है और दो चीजें सिर्फ हैं, मैं आपसे कह रहा हूं सॉल्व साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। हाँ भाई जाग रहे हो सब? यस सर, यस दो तीन सर, चार पांच, पांच बच्चों की आवाज आई है 17 में से, यस सर, छः बाकी सब, सात यस सर, बाकी। यस सर, यस सर दो बार कहने से काम थोड़ा चलेगा। चलिए इधर आइए, जाग जाइए थोड़ा सा। हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आपसे कह रहे हैं सॉल्व। एक तो चीज ये ध्यान रखिए कि जहां पे भी इज इक्वल्स टू आ गया वो हमारा इक्वेशन है, और जहां पे इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और इक्वेशन अगर कभी आपसे सॉल्व करा रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। अब आपको ये पता होना चाहिए साइन क्या है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज साइन? बताओ ना। हाँ जी दानियाल, दानियाल दानियाल है क्लास में? दानियाल की आवाज नहीं आ रही। अदीबा, अदीबा क्लास में है? यस सर, अदीबा क्या है, व्हाट इज अदीबा? नाम सिर्फ नाम, साइन भी नाम है, साइन कोई चीज नहीं है, नथिंग, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ साइन। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, दीज आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर रेशियो पी बाई एच। b by h is cos, p by b is tan. So these are the names of the particular ratio of right triangles. So sine is nothing here. Sine is the name. So what is here? What is here? That is angle. Angle is theta. That is my variable. So we have to find the value of variable. Okay, what is the ratio for the particular angle theta? p by h. So मुझे theta निकालना है। तो हमारे पास क्या है, आप सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, अगर मुझे यहाँ थीटा निकालना है तो आप सब बच्चों ने सीखा है कि भाई साइन थीटा 1/2 साइन 30 के लिए होता है। तो आप कह सकते हैं सिंपली थीटा इज इक्वल्स टू 30, यस और नो? यस सर। तो यही इसका सॉल्यूशन है, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन अप टू 10th क्लास, अगर आप 10th में होते हैं। लेकिन क्योंकि अब आप बच्चे माशाल्लाह 11th में हैं और आप सब बच्चों को मालूम है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए कि भाई साइन 150 होता है साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 होता है कॉस 60, और कॉस 60 होता है 1/2। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि 1/2 को हम साइन 150 भी कह सकते हैं। तो आप में से कुछ बच्चे ये कह सकते थे कि सर अगर साइन थीटा 1/2 दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है साइन 30 हो, मे बी पॉसिबल साइन 150 हो। बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं आई? यस सर, यस सर। लेकिन अगर आप में से थोड़ा सा कोई भी बच्चा और थोड़ा सा इंटेलिजेंट सा हो तो आप में से ये भी कह सकते हो कि सर साइन 390 दैट इज साइन 360 प्लस 30 That is also sine 30, that is also 1/2. तो सर साइन थीटा 1/2 में भी पॉसिबल साइन 390 हो। मैं भी आप में से कोई बच्चा और वैल्यू निकाले कि सर साइन 510 हो, 360 प्लस थीटा एंड 360 प्लस 150 ऐड करते चले जाओ, 720 प्लस 30 कर दो 750 हो जाएगा, 720 प्लस 150 कर दो 870 हो जाएगा, एंड देयर आर सो मेनी, इवन माइनस में कर दो तो माइनस में वैल्यूज आ जाएंगे। तो देयर विल बी सो मेनी वैल्यूज। तो एज अगर हम इससे बात करते हैं तो आप ये कह सकते हो
So theta is equals to 30, 150, 390, 510 and so on. कुछ समझ में आया सर? वैल्यू समझ में आ रही है सब बच्चों को? Yes, sir. अगर मैं बेटे इनमें से वो वैल्यू ले लूं, ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं इनमें से वो वैल्यू ले लूं जो 0 से 360 के बीच में हो, 0 से 360 के बीच में, तो 0 से 360 के बीच में कौन सी वैल्यूज हैं? 30, 150. तो इन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन. इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो है 30 and 150. पहली चीज तो ये. लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास कोई टर्म ऐसा आ जाए, कोई सॉल्यूशन ऐसा आ जाए जो इन सब को रिप्रेजेंट करे, 30 को 150 को 390 को 510 को एंड सो ऑन. और मैं अभी फिलहाल ऐसे ही लिख दे रहा हूं. मैं ऐसे ही क्या लिख दे रहा हूं? मैं लिख दे रहा हूं थीटा इज इक्वल्स टू 180 प्लस माइनस, एक सेकेंड, मैं ये लिख दे रहा हूं. सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, कहां से आया, क्यों आया, वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, आप भी निकाल ला करोगे. लेकिन अगर मैं यहां ये लिख दूं कि थीटा इज इक्वल्स टू 180 एन प्लस माइनस 1 टू द पावर एन 30, तो आप जरा ध्यान से देखो एन क्या है. एन यहाँ पे इंटीजर है, जो अभी मैं कह रहा था कि आप माइनस में भी ले सकते हो. तो एन इंटीजर है तो ये प्लस में हो सकता है, जीरो हो सकता है, माइनस हो सकता है. जरा आप सब बच्चे एन को जीरो सोच के देखो कि अगर मेरा एन जीरो हो जाए तो क्या होगा. अगर बेटे एन को मैं जीरो लूंगा तो क्या 180 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा? यस सर. माइनस वन की पावर जीरो वन हो जाएगा? यस सर. तो क्या थीटा मेरा 30 आएगा? यस सर. अगर मैं अगर बच्चे मैं एन को वन लू तो क्या 180 इंटू 1 180 हो जाएगा? यस सर. और माइनस 1 की पावर 1 माइनस हो जाएगा? यस सर. तो 180 माइनस 30 क्या थीटा इज इक्वल्स टू 150 हो जाएगा? 150. अगर मैं एन को 2 लूं तो क्या 180 इंटू 2 360 होगा? माइनस 1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, तो 360 प्लस 30 क्या 390 हो जाएगा? Yes, sir. अगर मैं n की जगह 3 रखूं तो क्या 180 इंटू 3 540 होगा? और 540 में से अगर 30 माइनस करूं तो क्या 510 आएगा? Yes, sir. तो yes, जैसे sir. जैसे आप n को चेंज करोगे क्या ये सारी वैल्यूज मिलती जा रही हैं? Yes. बताओ ना. यस सर. जी सर. तो इसका मतलब ये ऐसे हो गया जैसे आपका nth टर्म था एपी में कि n रखते चाहो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और आपके पास टर्म्स आती चली जाएंगी. तो दिस उस टर्म को वहां एपी में हम जनरल टर्म कहते थे, nth टर्म, जनरल टर्म, n रखो आंसर. इसे यहाँ जनरल सॉल्यूशन कहते हैं. क्या कहते हैं? General. तो अब आपके पास क्या है, सिंपली आपके पास दो चीजें. आपको इक्वेशन देगा कि भाई आपको दे दिया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, आपसे कहेगा फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, या आपसे कह देगा फाइंड जनरल सॉल्यूशन. सिंपल. तो पहले हम आज सारे बच्चे सिर्फ जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना सीख रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन से, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने 30 को यूज किया है जनरल सॉल्यूशन में. तो जब तक 30 निकालना नहीं सीखूंगा जनरल सॉल्यूशन में नहीं आएगा. तो आज हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं. दोबारा से देख लीजिए, आ जाइए दोबारा से. मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सपोज करो बेटे कॉस थीटा मेरा, सारे के सारे बच्चे यहां ध्यान से देख लीजिए, कॉस थीटा मेरा माइनस 1/√2 है. क्या है?
माइनस वन बाय रूट टू. तो यहाँ पे वो जो टेबल है हमारे पास 0 से 90 उन्हीं वैल्यूज से ही पूछेगा, उससे आगे नहीं जा रहा है. तो आप सीधा सीधा सा क्या करोगे सबके सब बच्चे, कॉस को 1/√2 में कंपेयर करोगे. कहाँ पे कंपेयर करोगे? अब बताओ कॉस में 1/√2 कब होता है? 45 degree. वेरी गुड सब बच्चे, कॉस में 45 में होता है. तो आप सिंपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि भाई प्लस माइनस पे कोई ध्यान मत दो फिलहाल, कि भाई ये कॉस 45 हो गया. अच्छा है अगर रेडियन में लिखा करो तो पाई बाई 4 हो गया. ये वाली बात सब बच्चों को समझ में आ गई? जी सर. यस सर. यस सर. अब आपको माइनस को सोचना है कि भाई कॉस माइनस कब कब होता है. आपको अगर याद होगा कि भाई हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस. तो कॉस है नेगेटिव. तो दो सारे रेशोज क्या हैं? 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव हैं और 2 में नेगेटिव हैं. तो कॉस जो है नेगेटिव जो है वो सेकंड और थर्ड में है. किसमें है? सेकंड में और थर्ड में. अब आएगा तो वो फॉर्मूले से, जो आपने फॉर्मूले सीखे हैं ध्यान से देख लो कौन से फॉर्मूले सीखे हैं आप सब बच्चे. माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है. अब कॉस ही रहना चाहिए लेकिन क्वाड्रेंट चेंज हो जाना चाहिए. तो क्या मैं इसको, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लो, क्या मैं इसको कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं? माइनस कॉस थीटा को क्या मैं कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं? उल्टा सोचो आप सब बच्चे, जरा उल्टा सोचो थोड़ी देर के लिए. कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? चेंज तो होगा नहीं लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है तो माइनस में होगा. यस और नो? यस. यस सर. ठीक है दोबारा से देखो फिर सब बच्चे, मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा आप सबको. क्या मैं माइनस कॉस थीटा को, सारे के सारे बच्चे, अगर मैं 90-270 करूंगा तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा. तो 90-270 नहीं करना है तो रेशो, क्योंकि मुझे कॉस ही चाहिए. सारे के सारे बच्चे देखो, क्या मैं कॉस माइनस कॉस थीटा को कॉस 180 प्लस थीटा लिख सकता हूं? यस सर. यस सर. मैंने आपसे कहा उल्टा सोचना है. कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है कि भाई चेंज तो होगा नहीं सर, कॉस थीटा आएगा लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड है तो नेगेटिव होगा. यस सर नो? यस सर. यस सर. अब मैं आपसे कह रहा हूं ये नहीं सोचना कि कॉस माइनस कॉस थीटा को किस में लिख सकते हैं किस में. मैं कह रहा हूं नहीं, छोड़ो, हटाओ इन सारी चीजों को, हटा दो. अब सारे के सारे बच्चे देख लो, बहुत छोटा सा सिंपल सा शॉर्टकट, बहुत छोटा सा सिंपल सा शॉर्टकट क्या है भाई हमारे पास क्या है. ये तो आप याद ही कर लो कि भाई कहाँ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है. ये तो आप मान ही लो कि भाई आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, चलो ये तो है ही. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो उसे थीटा ही रखना है. अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसे खुद ही सोच लो कि 180 माइनस थीटा रखना है, या 180 भी छोड़ो, सीधा सीधा पाई माइनस थीटा लिखना है. क्या लिखना है भाई? अगर थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा लिखना है, और अगर फोर्थ में है तो 2π माइनस थीटा लिखना है. ये खुद से सोच लो. क्या सोच लो? अब जरा देखो, अब यहाँ आ जाओ लेफ्ट साइड में. हमने आपसे कहा कि भाई माइनस 1/√2 को पाई बाई 4 ले लिया. अब कॉस हमारा है नेगेटिव. आप खुद सोचो कि कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है. कॉस थीटा इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड. तो सेकंड में मुझे क्या लिखना है सर? पाई माइनस थीटा. और थर्ड में मुझे क्या लिखना है? पाई प्लस थीटा. और ये सारे रेशोस के लिए है, ऑल 6 रेशोस. तो फिर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा. मतलब अब मैं इस माइनस कॉस पाई बाय 4 को मैं लिख दे रहा हूँ कॉस माइनस पाई माइनस थीटा एंड कॉस पाई प्लस थीटा. सब बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? जी सर. हम डायरेक्ट माइनस कॉस थीटा को कॉस 180 माइनस थीटा और कॉस 180 प्लस थीटा लिख रहे हैं. सिंपलीफाई कर लो. अभी एक क्वेश्चन और करेंगे तब थोड़ा क्लियर होगा. तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 − 1. तो ये हो जाएगा कॉस 3π/4 एंड 4 × 4 + 1 कॉस 5π/4. तो ये हो गया कॉस थीटा. तो थीटा कितना आ गया सर? थीटा आ गया सर 3π/4 एंड 5π/4.
कुछ आया समझ में? नहीं आया अभी, अभी नहीं आया, अभी 30% आया है। आओ दोबारा से आओ, मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने ये कहा है क्वाड्रेंट, फर्स्ट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में टू पाई माइनस थीटा। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखिए, दोबारा से लिख रहा हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू वन, टेन थीटा इज इक्वल टू वन, वन कब होता है? 10 45 को क्या लिखते हैं? पाई बाय 4। 10 पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। 10 पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट एंड थर्ड। तो अगर फर्स्ट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या लिखना होता है? थीटा। तो थीटा तो ये एज इट इज रह जाएगा पाई बाय 4। और थर्ड में लाने के लिए क्या लिखना पड़ता है? बस सही है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? टेन पाई बाई फोर एंड टेन पाई प्लस पाई बाई फोर। सब बच्चे बताओ, अब थोड़ा बहुत समझ में आया? जी सर। तो क्या आ गया आपके पास? आ गया टेन पाई बाई फोर एंड फोर वन जा फोर प्लस वन फाइव पाई बाई फोर। क्या हो गया ये? टेन थीटा। तो थीटा कितना आ गया भाई? थीटा आ गया पाई बाई फोर एंड 5 पाई बाई 4। सर कुछ समझ में आया? यस यस सर। एक क्वेश्चन करके दिखाओ।